आखिरकार माली बदहाली से दो चार पाकिस्तानी हुकूमत और खासकर वजीर बराए मंसूबा बंदी और तरक्यात चौधरी एहसन इकबाल चारों सूबों के वज़राए आला की मान मनोवत करके बीजिंग ले जाने में कामयाब रहे। बीजिंग में JCC यानी जॉइंट कोऑर्डिनेंस कमेटी की मीटिंग हुई। बीजिंग में JCC की मीटिंग का वाहिद मकसद था पाकिस्तान में CPEC और ग्वादर पोर्ट मंसूबों की मुखालफत को लेकर चीन के हुक्मरानों के खदशात दूर करना। यही वजह रही कि पाकिस्तान के चारों सूबों के वज़राए आला की मौजूदगी में चाइनीज हुकूमत के साथ कई नए मुहाइदे किए गए। पेशावर के अंदर ग्रेटर पेशावर सर्कुलर रेलवे, क्वेटा सर्कुलर रेलवे, कराची सर्कुलर रेलवे और लाहौर में जो ऑरेंज लाइन मंसूबा है, इन्हें CPEC के फ्रेमवर्क में शामिल किया गया। कराकोरम हाईवे में थाकोट रायकोट का जो 136 किलोमीटर का सेक्शन रहता है, उसकी बहाली के काम को और उसके मेंटेनेंस को और अपग्रेडेशन पर फौरी काम किया जाएगा। खुजदार बसीमा रोड जो ग्वादर को खुजदार से मिलाने के लिए और रतो डेरो ले जाने के लिए एक बहुत अहम राबते की सड़क है, इसके ऊपर भी मंजूरी दी गई और साथ के साथ डेरा इस्माइल खान जोब को भी ड्यूलाइज करने के मंसूबे की मंजूरी दी गई, जिससे कि मगरबी रूट के अपग्रेडेशन में बड़ी मदद मिलेगी। पाकिस्तान और बलूचिस्तान में बरसर इख्तदार नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमतें और फौजी क़यादत चीन के साथ 46 अरब डॉलर के मुहाइदों की रकम हासिल करने के लिए CPEC और ग्वादर पोर्ट मंसूबे जल्द से जल्द मुकम्मल कराने पर आमादा हैं। लेकिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध सूबों की सियासी जमातें CPEC की आड़ में सिर्फ पंजाब सूबे में तरक्की और तरजीह की शदीद मुखालफत कर रही हैं। मेन जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, एक तो तकरीबन हमारे 1700 मेगावाट की बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं और गैस से तकरीबन 700 मेगावाट बिजली के हैं, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि फरवरी में उसकी अप्रूवल हो जाएगी। साथ उन्होंने एक हमारी रिकमेंडेशन थी कि चतराल गिलगित से लेकर चतराल से चकदरा तक जो रोड है उसका CPEC का हिस्सा बनाया गया और वो भी इंशाल्लाह ताला उस पर काम शुरू हो जाएगा। बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर चीन के कब्जे के लिए जेरे तामीर ग्वादर पोर्ट और CPEC मंसूबों की सियासी मुखालफत को दबाने में पाकिस्तानी फौज भी अहम किरदार निभा रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की तरह मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी बलूचिस्तान का हंगामी दौरा किया और बलूचिस्तान रेजिमेंट की पासिंग आउट परेड के मुआयने के मौके पर CPEC की हर हाल में हिफाजत का अज़्म दोहराया। CPEC की बरवक्त तकमील इस खत्ते को तरक्की के एक नए दौर में दाखिल कर देगी, जिसके लिए पाक फौज दिन रात कोशां है। आने वाले कल का बलोच न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते की तरक्की में शामिल होगा। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन है। हमारी जानें, लहू और पसीना इसकी जमानत के लिए हाजिर हैं। ग्वादर पोर्ट और CPEC मंसूबों के तहत बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर चीन की कंपनियों को काबिज कराने की पाकिस्तानी हुक्मरानों की साजिशों की दुनिया भर में सख्त मजम्मत हो रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कई मरतबा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तक बुलाई, लेकिन बलूचिस्तान की सियासी कौम परस्त जमातें इन मंसूबों को अपने कुदरती वसाइल की लूट खसूट और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं।